हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग मास्टर सेट 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो मास्टर सेट 3 के लिए आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए, बी रेडी फास्ट। आप लोग कॉपी और कलम लेकर के जल्दी से रेडी हो जाइए ताकि हम लोग सॉल्यूशंस करें। अगर आपने सॉल्यूशन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने सॉल्यूशन नहीं किया है तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ और आप इसको देखते चलेगा, चीज़ों को समझते चलेगा। बहुत ही आसान है आज का सेट, बहुत ही आसान है अगर आपने थोड़ा सा कंसस हुआ तो, ठीक है। कई बार थोड़ी सी कंसनेस नहीं रहने पर जो है बहुत बड़ा मिस्टेक करके चले जाते हैं। तो आज जो है ना, हम लोगों को थोड़ा सा कंसस होना है, और अगर थोड़ा सा कंसस रहेंगे तो आज का सेट जो 25 क्वेश्चन है ना, मुझे नहीं कि 25 मिनट भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट में 25 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज आप लोग जल्दी से कॉपी कलम क्या जी रेडी हो गए? हाँ या ना बोलिए, जल्दी से स्टार्ट किया जाए। रेडी हो गए? जल्दी फास्ट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। पहला नंबर क्वेश्चंस में बहुत ही आसान है, इसमें भाई मल्टीप्लिकेशन, कई लोगों ने तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और वैसे मैं इसका जो प्रोसेस है ना, मैं इस पे थोड़ा सा बात कर लूँ। जैसे अपने पास इसको अगर करना है तो हम लोग करते क्या है, इस बात को आप समझिए। इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर अगर माइनस कितना, 10,000 में अगर हम लोग देखें तो 10,000 में कितना माइनस हो रहा है, 9 का माइनस हो रहा है, और यहाँ पर 10,000 में कितना प्लस हो रहा है, 9 का प्लस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 81, ठीक है, माइनस का 81। और अगर आपको करना क्या है, या तो ये वाला 9 इसमें जोड़ दीजिए, या फिर ये वाला 9 यहां से घटा दीजिए, जो आएगा वही बात होगी। अब अगर हम लोग यहां से देखिए, एक प्रोसेस सिखा रहा हूं, बस इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए, अगर इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। और 10,000 में से, चूंकि 10,000 की बात हुई थी, और यहाँ पे टू पार्ट में देखिए, यहाँ पे आप चीजों को समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे अगर अपने पास 109 होता और 91 होता, अगर इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती तो आप यहाँ पे देखिए क्या होता भाई, यहाँ पे प्लस का 9 होता और यहाँ पे माइनस का 9, ये प्लस का 9 हो रहा है, माइनस का 9 हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 9 81 आएगा। अब या तो हम इसमें से 9 माइनस कर लें, या तो हम इसमें 9 प्लस कर दें, ठीक है। तो अपने पास अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 100। अब जब ये 100 आया ना, यहाँ पे 100, चूंकि 100 के बेस पे था, अगर 100 के बेस पे था तो यहाँ पे जो हम एक कैरी देंगे, एक कैरी जाएगा यहाँ से, तो 100 पूरा का पूरा 100 कैरी जाएगा। ये बात ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट बचेगा ना वो 99 बच जाएगा, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कि अगर आप यहाँ से अगर एक आप कैरी देंगे तो 10,000 का पूरा 10,000 कैरी चला जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे 4 × 9 और यहाँ पे 10,000 अगर कैरी चला गया तो अपने पास ये दो पार्ट का बात है। और यहां पे अगर हम 81 घटा लेंगे, माइनस करेंगे, तो अपने पास कितना जाएगा, 9, और यहां पे अपने पास जाएगा तो कितना आएगा, 1, और फिर ये आएगा 9 और 9, और यहां पे अपने पास कितना था भाई, 9 9 9 9, यानी कि 4 5 6 × 9, 2 2 4 और 2 6 × 9 और 1 9, ठीक है। तो ये अपना आंसर है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये माइनस करके लिखते हैं, अगर दोनों प्लस वाला रहता तो कोई टेंशन ही नहीं था, ठीक है। या तो फिर 1000, अब वैसे भी कर सकते थे 10,000 माइनस 9 और यहाँ पे हो जाता 10,000 प्लस 9, तो इसको a माइनस बी और a प्लस बी पे भी तोड़ सकते थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे कर सकते थे, वो भी काम कर सकते थे। तो चलिए, खैर बहुत ही आसान है। तो इतना सब कुछ लिखना नहीं है, इस काम को हम लोग डायरेक्ट करेंगे भाई, कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 81 आ रहा है, तो 81 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना जगह 19, यानी कि 9,919, और इधर से कितना बचेगा, 4 × 9 बचेगा, तो 4 × 9 यहाँ पे लिख दिया, बस ये अपना आंसर, दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो चलिए, ये अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर टू में करा है कि ए कैन डू 1/3 ऑफ ए जॉब इन 3 days। ए जो है ना 1/3 कर सकता है 3 days में, 3 days में कर सकता है। तो आप यहां पे एक बात बताइए कि 1/3 अगर 3 days में कर सकता है तो पूरा कंप्लीट वर्क जो है वो कितना दिन में कर सकता है। अगर 1/3 वो 3 days में कर रहा है तो कंप्लीट वर्क वो कितना दिन में करेगा भाई, 9 days में करेगा, बस इतनी सी बात है। अगर एक काम का तिहाई भाग वो 3 दिन में करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 9 days में करेगा। और फिर क्या कर रहा है, बी कैन डू हाफ ऑफ द जॉब इन 9 days, और बी जो है ना हाफ ऑफ द जॉब जो है कितना दिन में कर रहा है, 9 days में कर रहा है। तो ये कंप्लीट वर्क कितना दिन में करेगा, ये 18 days में करेगा भाई,
ये 18 डेज में करेगा, राइट। आधा काम अगर 9 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 18 डेज में करेगा। अब अगर हम लोग इसके एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो टोटल वर्क यूनिट हमारे पास कितना होगा? 18। पर डे वर्क यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 और कितना आ जाएगा? 1। अगर हम लोग यहाँ पे ए और बी की अगर एफिशिएंसी निकालते हैं तो ए और बी मिलकर के कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। और यहाँ पे देखिए करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है कि इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, दोनों मिलकर काम करते हैं, देन इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश हाफ ऑफ द जॉब, आधा काम कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? तो देखिए यहाँ पे आधा काम करना है, 18 यूनिट तो पूरा काम था, तो आधा काम कितना हो जाएगा? 9। और 9 यूनिट को ये कितने यूनिट के हिसाब से करेंगे? 3 यूनिट के, तो कितना आ जाएगा? 3 डेज। ये अपना आंसर है, दैट इज ऑल अबाउट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 था जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, शॉपकीपर सेल्स एन आइटम्स एट रुपीज 4200 विच इज मार्क्ड एज रुपीज 4800, देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज दैट ही इज ऑफरिंग। सिंपल सा बात है कि एक दुकानदार जो है ना, सेलिंग प्राइस वो दे रहा है कितना? 4200, और मार्क प्राइस उसने जो किया हुआ है, मार्क प्राइस जो किया है वो है 4800, ठीक है। तो 4800 तो करे कि वो जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट? तो हम लोग जानते हैं कि डिस्काउंट हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट नहीं होता या कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं होता है। तो देखिए डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 600 का डिस्काउंट मिल रहा है भाई, 600 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने रुपए में? मार्क प्राइस कितना है? हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पे कंसीडर किया जाता है, तो मार्क प्राइस कितना है? 4800 है भाई, तो 100 में कितना होगा? तो ये बात हम लोगों को निकालना है। तो यहां से अगर हम लोग करेंगे तो 1/8 यानी कि 12.5% ये अपना आंसर है, दैट इज ऑल अबाउट। ये क्वेश्चन नंबर 3 था भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या करा है कि द फ्लाइट फेयर बिटवीन 2 सिटीज इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 11:13। दो शहरों के बीच में जो फ्लाइट का फेयर है वो 11:13 हो जाता है। 11:13, पहले 11 था और अब कितना हो गया? 13। और कह रहा है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द फेयर इफ द ओरिजिनल फेयर वाज रुपीज 12,100। अगर ओरिजिनल फेयर जो था हमारे पास ये था 12,100, तो हमारे पास ये अभी जो इंक्रीज किया हुआ फेयर है ये कितना है? बस इतनी सी बात है। तो देखिए आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इसमें 1100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास ये बातें आ जाएगी? अगर आपको इसमें 1100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चूंकि आपने इसमें 1100 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करना पड़ेगा भाई। तो आप 11 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 13 है, तो 13 को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता भाई, एक को इधर लिख दो, 3 को इधर लिख दो, और दोनों में जोड़ करके बीच में लिख दो भाई, 4 तो 143 और 2 जीरो चिपका हुआ, 2 जीरो चिपका दीजिए आप, यानी कि 14,300 इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है कि द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 20 इयर्स। 6 मेंबर्स का जो एवरेज है ना, 6 मेंबर्स का जो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 6 मेंबर्स दिया हुआ है 20 इयर्स। अब कह रहा है कि इफ एज ऑफ द सर्वेंट इज इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 25%, व्हाट इज द एज इन इयर्स ऑफ द सर्वेंट। सर्वेंट को अगर हम लोग इसमें इंक्लूड कर लें, यानी सातवां व्यक्ति जब आ जाता है तो 25% तो सर्वेंट का एज निकालना है, एज ऑफ सर्वेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि सब यानी कि एवरेज एज में 25% इंक्रीज कर जाता है। तो एवरेज एज में अगर 25% इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? हम लोग एक चीज जानते हैं एवरेज का मतलब क्या होता है, कई लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि सम ऑफ द नंबर्स अपॉन में द टोटल नंबर्स दैट इज एवरेज, वो एवरेज नहीं है सर। एवरेज का मतलब है कि इफ यू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द नंबर्स इक्वली अमंग ऑल द पीपल दैट इज द इक्वल पार्ट इज कॉल्ड द एवरेज। यानी कि 20-20 हम लोग एवरेज की अगर हम बात करें तो 6 मेंबर्स के पास अगर हम इक्वल बांटें तो 20-20 सबको पड़ेगा, ठीक है। अब 25% बढ़ जाए तो सब में 25-25% बढ़ जाएगा। तो भाई सर्वेंट के एज की अगर हम लोग बात करें तो सर्वेंट का एज 20 इयर्स तो होगा ही होगा, क्योंकि पूरे फैमिली का एवरेज ये था 20 इयर्स था, और सब में
25% बढ़ गया, तो आप मेरे को बताइए कि 20 का अगर 25% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 years, यानी सब में 5-5 साल बढ़ेगा, सब में 5-5 साल बढ़ेगा, यानी कि सर्वेंट में भी 5 साल बढ़ना है, तो यानी कि 7 लोग हो गया, 7 में अगर 5-5 साल बढ़ रहा है तो इसके पास कितना होगा भाई, 55 years, ठीक है, 55 years, दैट इज ऑल अबाउट, इतना ही से बात है, मतलब वो एक आदमी आता है तो सबके 5-5 साल बढ़ जाते हैं, तो ये अपना आंसर 55 years इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, जी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में जो कह रहा है, कह रहा है इफ रुपीज 2500 बिकम्स रुपीज 2970.25 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, देन व्हाट इज द रेट ऑफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले यानी कि 2500 प्रिंसिपल है और ये कितना हो जाता है 2970.25, ये 2 साल में हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो मैंने आपको बताया था कि 2 साल में अगर हो जा रहा है ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल करके, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा ना उसका ओवर रूट करेंगे और फिर इनटू में जो आएगा वो इनटू हम लोग 100 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इतनी सी बात है। तो पहले आप यहां से देखिए निकालिए, अगर आप यहां से काटेंगे 5 से काट, अगर देखिए आप 25 से भी काट सकते हैं, 25 से काट के देखिए कट रहा है, 25 से कट रहा है भाई, 25 से ये कटेगा तो 10,000 आ जाएगा, 10,000, और यहां पे अगर आप 25 से इसको काटते हैं तो 25 और कितना आ जा रहा है भाई, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 7, यानी कि फिर से 25 आ जाएगा 25 और वहाँ पे हो जाएगा अपने पास 17 और 5 22 और फिर 0, यानी कि 220, तो 25 से चलेंगे तो 25 30 200, यानी कि फिर वहाँ पे कितना बचेगा 20 और फिर 2, यानी कि 202, फिर 8 बार में जाएगा भाई और फिर अपने पास 202 यानी 2 और 5 यानी कि 1 times, यानी कि अपने पास कितना आ जाएगा अपॉन में इतना, यानी कि हमारे पास जो आ गया इसका जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100 और इसका रूट जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 109, यानी कोई धन पहले 100 था और बढ़ के कितना हो गया 9, यानी कि कितना बढ़ा 9, कितने में से बढ़ा भाई 100 में से, तो 100 में से जो धन बढ़ता है उसी को हम लोग रेट बोलते हैं, यानी कि 9% इज आर आंसर, दैट इज ऑल अबाउट। आप देख लीजिएगा ये अपने पास 9 का स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है, तो दैट इज 109 का, ये जो आएगा वो 109 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो ये इसका जो रूट होगा 109 होगा, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगर आपको ये डिटेल्स नहीं मालूम है तो फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने होंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या करा है कि 7 men और 4 women कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 days, 7 आदमी या फिर 4 औरत, 7 आदमी सॉरी 3 आदमी या फिर 4 औरत, 3 men और हमेशा इक्वल का देता है भाई, और 4 women किसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, तो कर 12 men and 16 women, यानी कि 12 men plus 16 women, ये क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, है ना, तो 16 women कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतना सा बात पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए इस बात को, ये लोग करते हैं ये 120 डेज में करते हैं, या तो आप 3 men के बारे में कहें तब भी वो 120 डेज लेंगी, या तो आप 4 women के बारे में बात कहें तब भी वो 120 डेज लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है क्वेश्चन में कि भाई 12 men और 16 women अगर साथ में काम करेंगे तब कितना दिन लगेगा, ये निकालना है, ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान है, इसमें इतना सा बात आपको समझना है कि यहाँ पे मेन है और यहाँ पे विमेन है, तो या तो विमेन को मेन बदल कर लीजिए या मेन को विमेन कर लीजिए, बस इतना सा बात, ठीक है, अगर आप इतना सा बात करते हैं, हाँ जी, तो ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 3 men जो है ना कितने दिनों में करते हैं 120 डेज, तो यहाँ पे 120 डेज हो जाएगा भाई, 3 men 120 days, अब इसको हमें करना था या तो मेन को विमेन या तो विमेन को मेन, तो यहाँ पे देखिए अगर हम विमेन करना चाहते हैं सबको, अच्छा सॉरी हमने यहाँ पे मेन लिया तो मेन करना पड़ेगा भाई, सबको मेन करना पड़ेगा, तो 12 men को तो 12 men लिखेंगे,
प्लस 16 विमेन को हम लोग कितना मैन लिख सकते हैं? तो देखिए 4 विमेन को हम लोग कितना मैन लिखेंगे? 3 मैन, 4 विमेन यानी कि 3 मैन, तो यहां 4 4 जा 16 हो रहा है, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 12 मैन जो होगा वो, यानी टोटल मैन कितना होगा? 24 मैन, यानी यहां पे अगर हम लोगों ने 3 मैन लिया था तो यहां पे 24 मैन ले सकते हैं इनटू व्हाट डेज, यही करना भाई। तो यहां से देखिए काटेंगे तो 8 टाइम्स, और इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना जाएगा? 15 डेज। अगर आप उसको भी वेमेन को भी लेके चलते हैं ना, तब भी आपका आंसर यही आता। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, वेमेन को भी अगर आप लेके चलते तो क्या हो जाता? 4 वेमेन इनटू 120 डेज भाई। और अगर आप इस सबको बदलते तो 12 मैन को अगर वेमेन में बदलते तो 16 आ जाता, 16 और 16 कितना हो जाता? 32 वेमेन कितने दिनों में, बस यही बात पूछा जा रहा है। तो यहां पे फिर से काटते, यहां 8 आएगा और यहां पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर से 15 डेज। दैट इज ऑल अबाउट। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 12% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 16,896। तो देखिए दो डिस्काउंट दिया गया है, एक 20% का डिस्काउंट और एक 12% का डिस्काउंट दिया गया है, ये दो डिस्काउंट, और देने के बाद वो 16,896 में बेचा गया। तो कहा जा रहा है कि भाई उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है? तो 20% का फ्रैक्शन कितना बनता है सर? 1/5। और 12% का फ्रैक्शन कितना बनता है? 3/25। अब देखिए 1/5 का आपने डिस्काउंट दिया, यानी कि 5 में से 1 का डिस्काउंट दिया, बचा कितना? 4/5, ठीक है, 4/5। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे आप करते हैं, यानी कि कितना बचेगा भाई? 22/25, और आपके पास बच कितना रहा है? 16,896। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 16,896 गुना 5 गुना 25, और अपॉन में अगर आप करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा? 4×22, ठीक है। तो जब आप यहां से देखिए काटिएगा, आप यहां से 4 से अगर आप काटिए, 4 से काटिए इसको, 4×4=16, 4×2=8, 4×2=8, 4×4=16, ठीक है। अब अगर आप इसको या तो डायरेक्ट आप 22 से भी काट सकते हैं, या फिर आप 11 से काट लीजिए, 11×22, यहां से 11 से अगर आप काटेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई? 11 33 और 9 और 2 हो जाएगा, तो 11 8 88, 4 और 4 यानी कि 11, ठीक है, 2 से इसको काट लीजिए तो 2 बन जाए 2, 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4। अब इन सबको अगर आप गुना करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 24,000। ये अपना आंसर, दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो ये अपना आंसर, ये आप कर सकते हैं, बाकी तो कैलकुलेशंस था और कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 8 है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाँ, कई लोग इसको वो सक्सेसिव परसेंटेज वाला पे निकाल करके भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 20% प्लस 12% माइनस 20×12/100 उसको निकाल करके लाएंगे तो 29.6% यानी 29.6% का उसने डिस्काउंट कर दिया, तो सामान बचा कितना का? 70.4% का डिस्काउंट, 70.4% का बचा सामान, तो 70.4% का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको 100% निकालना। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करा है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ए जो है ना किसी काम को 20 डेज में कर लेता है, और बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज, बी उसी काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है, कंप्लीट इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन इन 3 डेज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितना परसेंट वर्क जो है ना कंप्लीट किया जाएगा। तो आप देखिए इसका टोटल वर्क यूनिट निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, और पर डे वर्क यूनिट निकालते हैं तो 5 और 4 आता है, तो ए और बी मिलकर के दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेगा भाई? 9 यूनिट काम करेगा, 9 यूनिट पर डे काम ये कर रहा है, और 3 दिन में ये कितना काम कर जाएगा? 9×3 यानी कि 27 यूनिट काम कर लिया। अब आप एक बात बताइए कि 100 यूनिट काम करना था, आपने 27 कर लिया, तो आपने कितना परसेंट काम किया? 27%, दैट इज ऑल अबाउट, इसमें कुछ करना ही, यानी कि 27 यूनिट आपने काम कर लिया, 100 यूनिट काम करना था, तो यानी कि आपके पास कितना परसेंट हो गया सर? 27%, दिस इज आवर आंसर, ये अपना आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी, है ना, बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन है आज के डेट में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या करा है, करा कि द ट्रेडर बाइज 800 केजी ऑफ टोमेटोज फॉर रुपीज 7200। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए, बहुत ही आसान है।
800 केजी उसने खरीदा और रुपया इसने कितना लगाया था, 7200 रुपीस लगाया था भाई। और कह रहा है कि 10% टोमेटोज और डैमेज्ड। अब 10% जो है ना टोमेटो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। 10% टोमेटोज ठीक है, ये डैमेज्ड हो गया, डैमेज्ड राइट। तो अब कह रहा है कि इन ट्रांसपोर्टेशन एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द रेस टू अर्न 30% प्रॉफिट। अब बाकी को बचे हुआ कि वो कितना रुपया प्रति केजी वो बेचेगा ताकि उसको 30% का प्रॉफिट हो। तो आप यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि सर ये 800 केजी का 7200 रुपए कॉस्ट प्राइस है, अगर 10% टमाटर समाप्त हो गया तो 10% अगर टमाटर अगर माइनस कर ले हम इसमें से तो 800 माइनस 800 का 10% अगर हम लोग निकाल करके करेंगे तो 80 आ जाएगा भाई। तो यानी कि कितना बचेगा, 720 केजी। यानी इसका मतलब तो यही हुआ ना, खराब होने के बाद अगर इतना खराब हो गया तो अब जो हमारे पास 720 केजी बचा तो यही 720 केजी का जो पैसा हमारे पास कितना लग रहा है, 7200 रुपया लग रहा है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई, 1 केजी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, यहाँ पे जब हम लोग काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 केजी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपया पर केजी है भाई, 10 रुपीज़ पर केजी। अब हमें चाहिए 1 केजी का सेलिंग प्राइस चाहिए और इस पर हम 30% का प्रॉफिट चाहते हैं। तो 30% का प्रॉफिट अगर हम चाहते हैं तो इनटू में 30% कहने वाले 3/10 कहने वाले 13/10, इससे अगर आप काटें तो कितना आ जाएगा, 13 रुपीज़ पर केजी। ये अपना आंसर है, दिस इज ऑल अबाउट क्या, बहुत ही आसान था इसमें। अब ऐसा नहीं कि अब वहाँ पे पूरा निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर जाकर के आप कर रहे हैं, तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं था, तो बहुत ही आसान है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, हाँ जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या करा है, करा इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम प्रिंसिपल इज रुपीज 20। देखिए सेकेंड ईयर में 2100 रुपीज किया गया और थर्ड ईयर में 2268 किया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि रेट क्या है, व्हाट इज द रेट, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 साल का है और ये सेकेंड ईयर का है और ये थर्ड ईयर का, ठीक है। तो एक बात आप देखिए, कंटिन्यूअसली अगर आपके पास है ना, अगर कंटिन्यूअसली कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली ईयर का अगर अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो इसमें मैंने एक बात समझाया था कि पहले वाला प्रिंसिपल बन जाता है और बाद वाला जो होता है वो अमाउंट हो जाता है। तो भाई देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे लगातार ईयर का है, लगातार वर्ष का है। तो यहाँ पे आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 2100 था और यहाँ पे 2268 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है, 168 कितने में से, 2100 में से, तो 100 में से कितना होगा भाई, तो बस इतनी सी काम करनी थी आपको, यानी 8 टाइम्स जाएगा तो अपने पास आंसर जो हो जाएगा 8%। ये अपना आंसर है, दैट इज ऑल अबाउट। तो बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ 3 रेसर्स इज 3:4:6। 3 रेसर है 12 नंबर में और तीनों रेसर का जो रेशियो दिया हुआ है स्पीड का 3:4:6। अब यहाँ पे कह रहा है कि टाइम टेकन, टाइम का जो रेशियो होगा ना वो बताना है। तो मैंने कहा था कि टाइम का रेशियो इनवर्स होता है, तो इनवर्स का ये मतलब नहीं 6:4:3 कर देंगे, ऐसा नहीं है। इनवर्स का मतलब ये स्पीड अगर ये है, अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का जो रेशियो होगा ना वो इनवर्स होगा, यानी कि ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा और ये अपने पास 1/6 हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसको रेशियो में, सिंपल रेशियो में लेकर के आएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 4:3:2। ये अपना आंसर है, दिस इज ऑल अबाउट 4:3:2। तो ये अपना आंसर सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं भाई, बहुत आसान आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, करा इफ द प्राइस ऑफ अनियन इंक्रीजेस फ्रॉम ₹24 पर केजी टू ₹36 पर केजी, देन व्हाई व्हाट परसेंट हैज हाउसहोल्ड। आसान सा क्वेश्चन है कि भाई पहले ₹24 पर केजी था और अब कितना हो गया, ₹36 पर केजी, ठीक है, ₹36 पर केजी, ये चीजें हो गया है। अब कह रहा है कि कंजम्पशन में कितना कम कर दिया जाए ना, ताकि उसके जो खर्च है वो एज इट इज रहने चाहिए। एक्सपेंडिचर रिमेंस द सेम की अगर बात कर रहा है तो इसको देखिए, बस एक्सपेंडिचर अभी कितना हो जाएगा भाई, पहले 24 रुपए का खर्च, अगर मान लीजिए 1 केजी की बात करते हैं तो पहले 24 रुपए का खर्च हो रहा था, अब कितने का खर्च होगा, 36 रुपए का खर्च होगा, क्योंकि इंक्रीज कर गया, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे कितने का, अभी अगर मान लीजिए वो करना चाहता तो कितने का कमी आएगी, 12 का कमी, कितने में से, 36 में से, तो 100 में से कितना होगा भाई, आप यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 33 1/3%। एक इस तरीका था, दूसरा तरीका था कि सर 24 से ये 36 हो गया, यानी कितना 50% बढ़ रहा है, बढ़ने वाला 50%, तो घटने वाला कितना जो 1/3, यानी कि 33 1/3% इज द राइट आंसर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, बहुत ही क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कोई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ट्रेन ट्रेवल्स 20% फास्टर देन ए कार, बोथ स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी 180 किलोमीटर अवे एट द सेम टाइम, ऑन द वे द ट्रेन टेक्स 30 मिनट्स फॉर स्टॉपिंग एट द स्टेशंस, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द ट्रेन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 180 किलोमीटर, राइट, 180 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ वो 180 किलोमीटर, और यहाँ से एक ट्रेन चलता है और एक कार चलता है, दोनों ठीक है, लेकिन ट्रेन और कार में बात क्या है, इसका जो स्पीड है ना, ट्रेन का जो स्पीड है कार के स्पीड से 20% ज़्यादा है, तो यानी कि अगर कार का 5 होगा तो ट्रेन का कितना हो जाएगा भाई, 6। अब हम जानते हैं कि सर अगर डिस्टेंस अगर फिक्स हो गया, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसका टाइम कितना लगेगा 5 और इसको कितना लगेगा 6, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 मिनट्स ट्रेन, लेकिन दोनों के दोनों जो है ना, ट्रेन भी यहाँ से चल रहा और कार यहीं से चल रहा, दोनों यहाँ पे और दोनों सेम टाइम में पहुँचता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीच में ट्रेन जो है ना आधा घंटा के लिए रुक जाता है, यही बात कर रहा है, बीच में जो ट्रेन है वो आपके पास आधा घंटे के लिए नहीं 30 मिनट्स के लिए रुक जाता है, तो यानी कि यहाँ पे देखिए ट्रेन का इसको कितना टाइम कम लग रहा है भाई, 1 यूनिट, और यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 30 मिनट्स, यानी 1/2 आवर्स, 1/2 आवर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू करेंगे तो 5/2 आवर्स। तो अब कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन अगर पूछा जा रहा है तो आप बताइए, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ था 180 किलोमीटर और टाइम लग रहा है उसको 5/2, तो 5/2 अगर हम इसको काट दें तो अपने पास कितना जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड था वो किसका, ट्रेन का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होगी, चीज़ें आपको समझ में आया होगा क्या जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, ए जो है ना, ए किसी काम को 12 डेज में करता है और बी उसी काम को 24 डेज में करता है, तो टोटल वर्क यूनिट कितना हो गया 24, तो ये 2 और 1, और टोटल ए और बी मिलकर के कितना यूनिट काम करेगा भाई, 3 यूनिट काम करेगा, और 3 यूनिट अगर काम करेगा तो 4 दिन काम करता है, तो 4 दिन ये 3 यूनिट के हिसाब से कितना यूनिट काम करेगा, 12 यूनिट काम करेगा, तो 12 यूनिट अगर काम करता है तो आपके पास पहले कर रहा था टोटल यूनिट कितना था 24, और अब कितना कर रहा है 12, यानी कि टोटल 12 कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा भाई, 24 - 12 यानी कि 12 यूनिट बच रहा है, तो ये कितना फ्रैक्शन में कितना है, तो 12 24 का कितना फ्रैक्शन, 1/2, बस यही अपना आंसर है, दिस इज आर आंसर। हाँ जी चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड 47 इज 47 kg, पी क्यू और आर का जो एवरेज वेट है वो दिया हुआ 47, और पी और क्यू का जो एवरेज वेट दिया हुआ, पी और क्यू का जो एवरेज वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ अपने पास 32.5 kg, और इसका पी क्यू और आर का जो दिया हुआ है, क्यू एंड आर, या पी एंड क्यू, ठीक है, इसका दिया हुआ 48.5 kg। तब आपसे पूछ रहे हैं कि देन व्हाट इज द वेट ऑफ क्यू, क्यू का वेट क्या है ये बात बताना है, क्योंकि क्यू तीनों जगह में है भाई, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो क्यू का वेट आपको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने कहा था, मैंने आपको समझाया था भाई कि क्यू का अगर आपको वेट निकालना है तो ये 47 जो एवरेज है वो 47 लिख दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 32.5 kg चूंकि कम है, तो कितना कम है आप ये देखिए, अगर 47 में से अगर आप 32.5 kg घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 14.5, और 14.5 अगर एक में कम है तो दो में कितना कम हो जाएगा, तो 29 kg कम होगा, तो भाई आप इसको माइनस कर लीजिए, और ये देखिए कितना ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा है, तो एक में 1.5 ज़्यादा है तो दो में कितना ज़्यादा हो जाएगा,
थ्री ज्यादा हो जाएगा तो आप इसको प्लस को इसको क्या करिए थ्री करिए, तो आप इसको करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा 21 kg, ये अपना आंसर है। और आपको कुछ करने का ऐसा नहीं करने का जरूरत है कि 47 × 3 किया फिर इतना इंटू टू कर रहे हैं फिर इतना इंटू टू कर रहे हैं उसके बाद जाकर के निकाल के ला रहे हैं, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका प्रोसेस मैंने आपको बताया था, आपको मैंने समझाया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है कि एक शॉपकीपर वाइज 17 बाई सेलिंग 5 आइटम्स अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू 1 सेलिंग प्राइस। तो देखिए 1 सेलिंग प्राइस के अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो 1/4 सीधे इसका आंसर हो जाएगा 1/4 × 100 यानी कि 25%, दैट इज ऑल अबाउट। ये हो गया और आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं था, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट। कैसे हो गया सर, क्या नहीं हुआ, आप देख लीजिएगा इसको, समझ लीजिएगा बातों को, है ना। अगर आपको नहीं समझ आया तो बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि इन 3 years द सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेस बाई 18%, 18% बढ़ जाता है 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। देखिए अगर 18% बढ़ रहा है इसका मतलब हुआ कि हर एक साल वो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 6% बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया वो अपने पास कितना हो गया, 6%। और फिर आगे कह रहा है कि आप बताइए कि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 साल पे 25,000 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। यानी कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 25,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ और टाइम दिया हुआ आपके पास 3 years, टाइम आपके पास 3 years दिया हुआ, तो आपको करना क्या है, आपको बस निकाल देना है CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप निकालते हैं बहुत ही आसान है, एक रेशियो मैंने बताया था कि 3 साल के लिए 3:1 याद रखना है। तो यहाँ पे करना क्या है, पहले इस 25,000 रुपये का आपको क्या करना है, 6% निकालना है। तो 25,000 रुपये का 6% जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1500 गुना कितना, यहाँ पे 3 था 3 करेंगे, फिर प्लस, फिर 1500 का, इस 1500 का आपको 6% निकालना है तो कितना आएगा, 90, और 90 गुना कितना करेंगे, 3 प्लस, अब फिर 90 का आपको क्या करना है, 6% निकालना है तो कितना आ जाएगा, 5.4, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4500 प्लस यहाँ पे आ गया 270 और यहाँ पे आ जाएगा 5.4, ठीक है। तो अब अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5.4 इधर और यहाँ पे आ रहा है 7, तो 7 और फिर 5 × 7 यानी कि 4,775.4 रुपीज़, ठीक है। जिन लोगों का भी ये आंसर आ रहा है ना कि ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 में कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, देखिए इसमें बहुत ही आसान है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्वेश्चन नंबर 19 में, और यहाँ पे दिया हुआ अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, 24, 120 और 22 और यहाँ पे व्हाट। तो देखिए जब फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात आई थी तो मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे जितना टाइम सो रहा है, यहाँ सॉरी 120, तो यहाँ जितना टाइम सो रहा है उतना ही टाइम से यहाँ पे भी होगा भाई, तो बस यहाँ पे 110 हो गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी। मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 8 और 74 विच आर डिविजिबल बाय 7, जो साथ से 8 से लेकर के 74 तक के सारे नंबर्स का एवरेज बताइए जो 7 से डिविजिबल है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 8 to 74 पूछा जा रहा था, तो आप बताइए कि 8 के बाद पहला कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है भाई, तो वो है 14, जो कि 7 से डिविजिबल है। अच्छा आप ये बताइए 74 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, वो है 70, और इसका एवरेज निकाल लीजिए, पूरे इसका एवरेज आ जाएगा। ये बात मैंने बताया था कि अगर गैप सेम होता है तो पहला यानी कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसका और बिगर पार्ट है जिसका उसका एवरेज अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप इसको देखिए कट करिए तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, इसको आप करेंगे तो यहाँ 35 × 7 = 5 यानी कि 42, ये अपना आंसर है, ज़्यादा आपको ये करने की जरूरत नहीं था, तो ये अपना आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये अपना क्वेश्चन नंबर था 20, और क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा ग्राफ दिया हुआ है 21 से लेकर के 25 तक, तो ग्राफ आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, है ना। ये कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टीवीज और इसको करेंगी, तो अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक
आइटम्स इज मैक्सिमम इन द ईयर, कौन से साल में है जो सबसे ज्यादा है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा आप देख करके भी बता सकते हैं कि यहाँ पे 2011 जो है ना ये सबसे ज्यादा है। बस इतना सवाल था, यानी कि 21 का जो आंसर होगा 2011। अब इसमें कुछ जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 2009 को आप जोड़िए, बहुत छोटा है भाई, और 2010 भी बहुत छोटा है। उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा आपको 2013 और 11 में आपको देखना पड़ेगा, तो बस आप देख करके कह सकते हैं यानी 2011 इज द राइट आंसर। ये अपना आंसर है, मैं इसमें क्या सोल्यूशन करूँ, आपको ऐड करके देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। LCDs इन द ईयर 2011 एंड 2013, 2011 और 2013 का जो रेशियो दिया हुआ ना वो पूछ रहा है। तो 2011 में देखिए LCDs की बात करें तो LCD जो यहाँ पे दिया हुआ LCDs कितना है भाई, 2000, अच्छा हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग हो गया है। हिंदी में इंग्लिश में बोल रहा है 2011 और 2013, और हिंदी में बोल रहा है 2009 और 2013। तो आप उसको देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा उसको, ठीक है ना। तो मैं इंग्लिश दोनों बता देता हूँ, 11 और 13। अगर 2011 और 2013 की बात कर रहा है, 2011 और 2013 की बात अगर कर रहा है, तो हमारे पास LCDs की बात हो रही है। तो LCDs कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9000 और इज टू, और यहाँ पे अपने पास करा है 2011 और 2013 की बात हो रही थी। 13 में कितना है ये दिया हुआ है अपने पास, 12,000, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि अपने पास ये कटेगा तो 3 3 9 3 3 4, यानी कि 3:4 आ जाएगा ये इंग्लिश वाले के हिसाब से। हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा भाई, हिंदी में जो क्वेश्चंस आप एडिट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या करा है 2009, तो 2009 में यहाँ पे कितना दिया हुआ 7,000। 2009 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे है 7,000 इज टू 2013, ठीक है। तो 2013 में कितना दिया हुआ था, 2013 में अपने पास दिया हुआ 12,000, ठीक है। तो 12,000 यहाँ पे हो जाएगा भाई, 2013 की बात हो रही है, 12,000 ही है ना, हाँ 12,000 है। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7:12, तो 7:12 इज द राइट आंसर, ठीक है। LCDs के बारे में पूछ रहा था, तो LCDs जो होगा वो जो पीला वाला होगा वही LCDs है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 22 हो गया और क्वेश्चन नंबर 23, हाँ जी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या करा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एवरेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टीवीज एंड LCDs फ्रॉम 2009 टू 2012, 2009 और 2012 के बीच में जितने भी टीवीज का प्रोडक्शन हुआ है और जितने भी LEDs का प्रोडक्शन हुआ, इसके एवरेज का हमें चाहिए डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें करना कुछ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो देखिए अगर एवरेज जानते हैं ना तो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे देखिए 2009 में अगर हम टीवीज की बात करें, टीवी की अगर हम लोग बात करें, तो 2009 से लेकर के 2012 तक यहाँ पे देखिए कितना कितना हुआ है, 2009 में हुआ 6,000, तो 6,000, तो जरूरी नहीं कि 6,000 लिखे, चूंकि सब जगह 1,000 की बात हो तो सीधे 6 लिख रहे हैं। 2010 की अगर आप बात करें तो 2010 में है 9,000, तो आप सीधे 9 लिख लीजिए भाई, 9 हो गया। और फिर 11 की अगर आप बात करें तो 11 में आ रहा है 13,000, तो 13,000 यानी कहेंगे बोला 13 लिख लीजिए। और उसके बाद अपने पास यहाँ पे अगर आप लोग आप चलते हैं तो आपके पास 12 की अगर आप बात करेंगे तो 12 में अपने पास कितना रहा है 11,000, तो 11,000 हो गया भाई। अब इतना 6, 9, 13 और 11 का आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एक तो तरीका देखिए, अगर आपको छोटा सा नंबर दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं, आप इस सबको जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए भाई। तो एवरेज आप यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 11 और 13 24, 24 और 10 34 और 5 39, 39/4, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4 से जब आप काटेंगे इसको तो अपने पास आ जाएगा 4, चूंकि ये 1000 में था तो 1000 में कट करके आएगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, अभी आप यहाँ पे काटेंगे तो 4 9 जा 36, और फिर कितना रहा 3 3 0, यानी 4 7 जा 28, और फिर 4 7 5, यानी कि 9.75 आ रहा है, तो 9.75। और LEDs की बात करें तो LEDs में देखिए, LEDs में क्या करा है, LEDs में जो 2009 में था वो कितना 7,000, तो हमने 7 लिख दिया भाई, प्लस 2010 की बात करते हैं तो देखिए 10 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9500 नहीं है बल्कि 9400 है। अगर 9400 अगर इसको हम लोग लिखना चाहे तो 9.4 करना पड़ेगा, फिर प्लस अपने पास 2011 में देखिए तो वो कितना आ रहा है 13,000,
यानी कि सॉरी टू एलईडीज की बात हो रही थी, तो एलईडीज में अपने पास 2011 में कितना है तो दिया हुआ अपने पास 9000, तो यानी कि 9 हो गया प्लस, और उसके बाद 12 की बात हो रही है तो 12 में अपने पास कितना दिया हुआ 10000, तो अपने पास हमने क्या कर दिया 10 अपॉन में 4 करेंगे। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका है आप लेट कर लीजिए कुछ भी, आप एवरेज करके कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई। तो आप यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इसको भी 10 कंसिडर करें, इसको भी 10 कंसिडर करें, जोड़ने के लिए आना चाहिए, तो इसको अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो 10 10 20 10 30, तो इसमें से दो निकल गया भाई, दो निकल गया तो बचेगा कितना अपने पास 5, यानी कि 35.4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना रहे 4 8 जा 32 पॉइंट में अगर हम लोग जाते हैं तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा 4 7 जा और फिर 4 5 जा, ठीक है। तो जब आप इसको नहीं इतना नहीं आएगा, अपने पास यहाँ पे 4 8 जा 32 3 और 4 हो गया ना, फिर 4 8 जा यानी 8 5 आ जाएगा यानी 4.8.85। आप जब इसको डिफरेंस निकालेगा तो कितना आ जाएगा 0.9, यहाँ पे आ जाएगा 0.9, और आप इसको जब चूंकि 1000 से आपने डिवाइड कर लिया था तो आप इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर 900। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो 24 में देखिए, 24 में क्या कर रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो ये बहुत ही आसान है आज वाला जो ये दिया गया है। तो 24 में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एलईडीज इन द ईयर्स 2009 एंड 2011, एलईडी का बस देख लेना और बता देना। तो एलईडीज का अगर आप देखें 2009 और 11 में, तो यहाँ पे 7000 है और यहाँ पे 9000 है, तो बस ये अपना आंसर हो गया, यानी कि 7:9 ये अपना 24 हो गया भाई, दैट इज ऑल अबाउट। चलिए अब आगे लास्ट 25 की बात कर रहे हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमम है ना इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के मिनिमम किस वर्ष में उत्पादन हुआ है, तो यहाँ पे अपने पास जो आंसर होगा वो होगा 2009। आप घटा उठा करके देख लीजिएगा मिनिमम किस में हो रहा है, सबसे कम जो है ना वो किस में है, दोनों को ऐड करिएगा तब आपको पता चल जाएगा। चूंकि ऐसे भी देख रहे हैं तो 2009 एकदम नीचे दिख रहा है, तो यही अपना आंसर है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहा है ना 25, मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ये बात आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू, सी यू।